क्या इस्लाम नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला उन्हें हवस का शिकार बनाने की इजाजत देता है क्या? पिछले 5 महीने में सिर्फ उत्तराखंड में लव जिहाद के 46 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 1 साल में उत्तराखंड में लव जिहाद के 76 केस दर्ज हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। नमस्कार। उत्तराखंड के बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर इससे पहले भी हम एक एपिसोड कर चुके हैं। पुरोला में 2 मुस्लिम युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर ले जाते पकड़े गए। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदुओं के मुस्लिमों के खिलाफ कड़क रवैये से डरकर मुस्लिम भाग रहे हैं। मुसलमानों के पलायन पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। मुस्लिम मतों के लिए उनके तलवे चाटने वाले नेता इसमें कूद पड़े हैं। उन्हें मुसलमानों के पलायन की चिंता है, लेकिन उत्तराखंड के हिंदू क्यों भड़के हैं इस बात की परवाह नहीं। आखिर वो लोग चिंता करे भी क्यों? उत्तराखंड के हिंदुओं के भड़कने की वजह लव जिहाद के बेतहाशा बढ़ रहे मामले हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में अकल्पनीय तेजी आई है। मुसलमान युवक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसला के ले जाते हैं, ऐसे मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने मिल रही है। पिछले 5 महीने में सिर्फ उत्तराखंड में लव जिहाद के 46 मामले सामने आ चुके हैं। मतलब कि इस साल हर महीने लव जिहाद के औसतन 10 केस दर्ज हुए हैं। पिछले 1 साल में उत्तराखंड में लव जिहाद के 76 केस दर्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। उत्तराखंड की जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ की है और उनमें मुसलमानों की आबादी 14 लाख के करीब। इतनी छोटी जनसंख्या होने पर लव जिहाद की इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हिंदुओं को भड़कना जायज है। वैसे हिंदुओं के आक्रोश की असली वजह और है। उत्तराखंड में दर्ज लव जिहाद के ज्यादातर मामले नाबालिग लड़कियों से संबंधित है। नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण से संबंधित ज्यादातर केस में पॉस्को के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये बात बहुत ही गंभीर है। मुसलमान लड़के ऐसी नाबालिग लड़कियों को शिकार बना रहे हैं जिन्हें प्यार क्या है ये पता ही नहीं, जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसी भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसा कर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ये नीचता की हद है, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। क्या इस्लाम इस तरह से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला उन्हें हवस का शिकार बनाने की इजाजत देता है क्या? प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसा कर उनका धर्मांतरण करने की इजाजत देता है क्या? मुसलमानों को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे, लेकिन वे जवाब नहीं देंगे क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों को इसमें कुछ बुरा लगता ही नहीं। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उन्हें इन सब बातों की कोई चिंता ही नहीं। उन्हें चिंता है अपने इस्लाम की और मुसलमानों की। जिन्हें मुसलमान उत्तराखंड से चले जाएंगे तो हमारी संस्कृति का क्या होगा, इसकी चिंता है। इन लोगों को चिंता होनी चाहिए हिंदू लड़कियों से जो लोग घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जो लोग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। ये सारी हरकतों से हमारी संस्कृति का क्या होगा, इसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सारी चीजों में एक चीज मुझे पता लग गई है कि हिंदू खुद अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम है और अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की ताकत भी रखता है। हिंदू अब तक चुप थे तो उसे हिंदुओं की कायरता समझ लिया गया, और अब जब हिंदू जाग उठा है तो डर कर भाग रहे हैं।